हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आप सबों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अभी जो है हम स्टडी टेबल में पढ़ने बैठ गए हैं। देखिए, साल भर से तो हम कुछ पढ़े नहीं है और एग्जाम हो रहा है हम लोग का, और अभी एग्जाम, हम लोग का लास्ट एग्जाम बाकी है, कल है लास्ट एग्जाम। और फिर अभी क्या बोलेंगे उसको, आप तो देखे होंगे मेरा एक वीडियो में, हम उसमें जो घर से आए हैं पूरा एग्जाम देने के लिए, कितना रो रो करके आए हैं, मतलब कितना मर मर के। हम ये फॉर्मूला से हम बहुत उल्टी करते हैं ना, बहुत परेशानी हो करके आते हैं। फिर भी चलिए, साल भर नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी हम पढ़ रहे हैं ऊपर से एग्जाम देने के लिए। और पढ़ते पढ़ते ना अभी हम सोचे कि चलो ब्लॉगिंग कर लेते हैं बोल करके, आप लोगों को भी याद कर। एक दिन वीडियो नहीं डालने से हमको भी लगता है कि आप लोगों को, हमको अधूरा अधूरा सा लगता है। तभी हम लोग पढ़ने बैठे हैं, हम कम से कम पढ़ उड़ लेते हैं थोड़ा बहुत बोल करके। तो दोस्तों, अभी इसीलिए हम सोचते हैं ना, मतलब हम सोच रहे थे ना कि बाहर का वीडियो शूट करेंगे, लेकिन हम सोचे कि नहीं, अभी इतना दिन से तो पढ़े नहीं है। सीधा बात सिंपल सा कि हम इतना दिन से सही में नहीं पढ़े हैं, तो आप लोगों से झूठ नहीं बोलेंगे कि हम बहुत पढ़ते हैं। इससे बहुत ज़्यादा हम पढ़ते भी नहीं है इस टाइम में भी, लेकिन हाँ एग्जाम के टाइम में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि हाँ चलो कुछ हेल्प हो जाएगा। लेकिन आप लोग मेरे जैसे मत कीजिएगा, हमको पता है आप लोग पढ़ते हैं पहले से ही। दोस्तों, कभी कभी चोरी भी मौका मिलता है तो करना भी चाहिए, हम भी करते हैं नहीं बोल करके, नहीं चोरी, लेकिन चोरी भरोसे भी है, मतलब चोरी भी, मतलब एक होता है ना, बिना पढ़े भरोसे नहीं होगा, सॉरी बिना पढ़े ना चोरी भी नहीं होगा। तो खैर, उसके भरोसे भी नहीं रहना, वो मिलेगा तो करना जरूर है, लेकिन एक होता है ना पढ़ाई भी थोड़ा सा करके जाना। इसीलिए हम सोच रहे थे कि ना बाहर का वीडियो शूट करेंगे, लेकिन हम सोचे कि नहीं छोड़ो, इतना दिन से तो पढ़े नहीं, कम से कम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बीच में हम थोड़ा सा चलो वीडियो शूट कर लेते हैं बोल करके। तो इसीलिए हम, और दोस्तों पूरा एक होता है ना चोरी भरोसे भी नहीं जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आदमी चोरी मतलब चीटिंग ले जाता है सब कोई, और जो चीट अगर मिल रहा है चीट करना, तो उस बीच में अगर सब चीट कर रहा है, आप नहीं चीट करेंगे तो आपसे पंडित कोई नहीं है कि नहीं। और दूसरा कि देखिए, चोरी भरोसे भी नहीं जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कहाँ सीट मिल जाएगा कोई ठीक नहीं, क्या पता आपको टीचर के सामने ही मिल गया, तो आप उस समय एक होता है ना कुछ भी दिमाग में रहेगा तो उससे रिलेटेड कुछ भी आप लिख सकिएगा। पिछले बार में मेरा ना फर्स्ट सीट में दे दिया अभी टीचर के सामने, तो मतलब चलिए मेरे दिमाग में कुछ था तो हम उससे लिख दिए खैर। और बाकी उसी टाइम में अगर दिमाग में नहीं रहेगा, हम सोचेंगे कि चीटिंग की, हम उसी से लिखेंगे तब तो और पता नहीं क्या होगा, वो लिख भी पाएंगे कि नहीं, दिमाग में कुछ नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे क्या। तो बाकी अभी दोस्तों, अभी ना पढ़ते पढ़ते ना कभी कभी नींद तो आता है मेरा बहुत, कभी कभी ऐसे ऐसे में नींद नहीं आएगा, लेकिन पढ़ने बैठेगा ना नींद आएगा। देखिए मेरा आँख सब ढक्कन सब ना दर्द कर रहा है, तभी ना भूख भी लग जा रहा पता है। तो हम कुछ कुछ लेकर खाते हैं पढ़ते समय, कभी कभी हम कुछ कुछ खाते रहते हैं। और दोस्तों देखिए, मेरे यहाँ पर बेड के सामने भी खटिया भी है, उसमें पूरा हम बाजार करके रखते हैं। देखिए कैसे सामान हम बिखरा करके रखते हैं, तो इधर से ये वाला है और इधर से देखिए बिस्तर में ही हम रखे ये सब, यहाँ से ये सब पूरा डब्बा में रखे थे पता है, तो अभी डब्बा वाला खत्म हो गया ना तो ऐसे रखे हुए, तो ये सब चीज खाते रहते हैं। ये वाला देखिए ना, एक तो हंसी भी लगेगा, मेरी माँ लोग क्या बोलती पता है, इसको खाना तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा, मेरा दिमाग तो गोबर हो गया लग रहा है मेरा दिमाग, ये सब खाने से भी साल भर आप अगर नहीं पढ़िएगा एग्जाम के टाइम में, सोचेंगे इसको खा के मेरा दिमाग बढ़ेगा, देखिए सोचेंगे कि इसको खा के मेरी बेटी का दिमाग बढ़ेगा, तो नहीं है ये सब चीज। आप सही में अगर पढ़ेंगे तभी दिमाग इसका भी काम करेगा खाने से, नहीं तो मेरे जैसे ऐसे करने से तो नहीं होगा ना। लेकिन यार इसको इसीलिए खा रहे कि मेरे सामने रखा हुआ है दिमाग बढ़ाने के लिए, नहीं मेरी माँ का ये बोलना है कि इसको खाना, आलमंड खाना, ड्राई फ्रूट्स खाना, दिमाग अच्छा रहेगा, पढ़ेंगे तब तो दिमाग अच्छा रहेगा ना। इसको आदमी तब तो पढ़ता ही नहीं, यही सब खा खा के रहता नहीं। दोस्तों आप लोग अपना राय दीजिएगा, मेरी माँ का बोलना सही है कि आप लोग क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में, कि इसको खा करके दिमाग बढ़ेगा कि क्या, कि पढ़ाई करने से दिमाग बढ़ेगा। हमको तो यही लगता है कि पता नहीं, हम साल भर नहीं पढ़ेंगे और इसको क्या करेंगे तो दिमाग भी कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन ऐसे खरीद करके रखा हुआ था कि मन करता है ना कभी कभी खाने का, इसको डुबा कर खाते हैं, चना सब डुबा देते हैं तो इसको भी खाते हैं कभी कभी, नहीं तो ये सब खाते जो मन करता है वो सब, मतलब जो मन करता नहीं जो रहता है उसको खा लेते हैं, मिक्सर सब रहते हैं। तो दोस्तों अब इसीलिए हम अगर मतलब बाहर का वीडियो नहीं डालेंगे, अभी अंदर का ही वीडियो डालेंगे, ये सब करते करते, क्योंकि ना अभी सोचते हैं कि बैठे बैठे आप लोगों को लेक्चर करेंगे बोल करके, है कि नहीं। आप लोगों का भी दिमाग पकेगा, लेकिन आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हमको खुद बाहर जाने का मन नहीं कर रहा ना, अभी लग रहा है कि हम बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे क्या नहीं, अभी जो टाइम है उसी में ही हमको थोड़ा बहुत कर लेना है, नहीं तो फिर और। तो दोस्तों गर्मी आ गया, देखिए लस्सी वाला गिलास। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वाला वीडियो, अंदर का ही वीडियो हम लोग शूट करेंगे रूम अंदर वाला ही, क्योंकि अभी एग्जाम भी चल रहा है ना, इसीलिए ये सब चीज़ आप लोगों को भी शेयर करना चाह रहे थे।
और कुछ दिन तक अभी 2-3 रोज ऐसे ही वीडियो आएगा जब तक मेरा एग्जाम मेरा खत्म हो जाता। तो एग्जाम नहीं खत्म हो जाता तो हम अंदर वाला ही वीडियो बनाएंगे, सब रूम वाला ही, क्योंकि बाहर अभी जा नहीं पा रहे इसलिए हम बाहर का वीडियो नहीं डालेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को बोर लग रहा है कि कैसे लग रहा है बोल करके। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं ना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। और अभी हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।